आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले अपना यहाँ पर न्यू ट्रेन सेट, ठीक है, जो कि एक्चुअली में एक लोकोमोटिव ट्रेन सेट होने वाला है, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन प्ले सेट। और ये जो ट्रेन सेट है काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है, ठीक है, और इसमें जो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला, बाकी जो नॉर्मल जो ट्रेन सेट आते हैं वैसे नहीं है, ये काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने में लगने वाला है, ठीक है, काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड ये जो ट्रेन सेट है मैंने काफी ज्यादा सस्ता परचेस करा है, ठीक है, कितने में करा है, कैसे करा है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले हम करते इसके अनबॉक्सिंग और फिर आगे बात करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर गाइस देख सकते हो, ठीक है, इसमें आपको डबल ए वाली बैटरी लगेगी 1.5 वोल्ट वाली, ठीक है, दो बैटरी लगेगी जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी आप कैसे क्या कुछ अटैच करना है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, न्यू एडिशन, ठीक है, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं इसे और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इसके अंदर, निकालते हैं, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट ऊपर से निकाल लेता हूँ इसे, और चलो ठीक है, और इसे फटाफट हम करते हैं बाहर और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ओ भाई साहब, गाइस ट्रेन सेट आप यहाँ पर देख ही सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस पहले तो मैं यहाँ पर ट्रेन निकाल लेता हूँ, ठीक है। ट्रेन आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया सी लग रही है, काफी यूनिक सा लुक है यहाँ पर। पहले मैं ट्रेन की बात करता हूँ, फिर आगे की चीजों की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आगे से कुछ इस तरीके का आपको लुक है इसका, ठीक है, मतलब पुरानी जो ट्रेन है ना वैसा कुछ आपको लुक ये प्रोवाइड करती है। एंड ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल असली जैसा फील देता है थोड़ा ये। और यहाँ पर आपको एक बटन भी मिल जाता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो इस तरीके से ऑन ऑफ, ठीक है, इस तरीके से आराम से कर सकते हो। और ऊपर की साइड से यहाँ पर आप यहाँ से बटन यहाँ पर डाल सकते हो, वो क्या कहते हैं, अपने सेल्स डाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं सेल डालता हूँ और सेल लेके आ चुका हूँ एक फिर से, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेल्स को आपको डालना इस तरीके से है, ठीक है, सिंपल जो बड़े वाले सेल है ना डबल ए वाले, वो सेल इसके अंदर डालेंगे आपके, ठीक है। सर मैं इन्हें डाल देता हूँ और वो ठीक है, देख सकते हो ये चलने लगे, एक सेकेंड यार, एक्चुअली जो सेल है ना थोड़े से, इसे पहले मैं कर देता हूँ ऑफ, ठीक है, ऑफ कर देता हूँ मैं, ये एक्चुअली में स्टार्ट हो जा रही बार बार, और मैं इसे लगा देता हूँ। एंड पहले इसे हम कर देते हैं बंद, ठीक है, इसे मैं बंद नहीं करूँगा ना तो ये बार बार ऐसे खुलते रहेगा और ये हमें करेगा परेशान, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, मैंने इसे कर दिया है बंद, ठीक है, और बाकी इसे मैं आपको एक बार चालू करके भी दिखाता हूँ। देखो जैसे आप इसे चालू करोगे तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, गाइस क्या ही मतलब ओपी तरीके से चल रही है, ठीक है, सारे इसके व्हील्स देख सकते हो चल रहे हैं मस्त। और यहाँ पर आगे इस तरीके से कुछ रेड लाइट जलेगी, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, इसे ऑफ करते हैं। और इसके साथ आपको एक इस तरीके से मतलब मिल जाएगी, ठीक है, कार, ठीक है, जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, और एक कार मिल जाएगी आपको जिसके अंदर मतलब माल जाता है, ठीक है, मालगाड़ी बेसिकली इसे कहते हैं, ठीक है, एक पैसेंजर्स के लिए और एक मालगाड़ी, ठीक है। तो बाकी हम इन्हें करते हैं साइड, ठीक है, और यहाँ पर पटरियों की तरफ चलते हैं। गाइस काफ़ी सारी पटरियाँ देखने को मिल जाती है हमें यहाँ पर, ठीक है, तो चलो इन सभी चीज़ों को करते हैं साइड में, और पटरियों को जो है ना एक बार हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और भाई लोग देखते हैं क्या होता है। तो इन्हें मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है, पटरियों को, और फिर देखते हैं। चलो पटरियों को मैं कैंची की मदद से काट देता हूँ, ठीक है, मतलब इनके बीच में जो वायर जो लगी उसे, ठीक है, काट दिया मैंने, और ये लो इन्हें भी काट दिया, ठीक है, सारी वायर्स को मैंने काट दिया, ऐसे करके मैं इनकी भी वायर्स को काट देता हूँ, ये लो काट दिया, ठीक है, एंड आराम से, और इन्हें हम करते हैं साफ। चलो हट जाओ हट जाओ, और ये हमारी पटरियाँ, ठीक है, पटरी आप लोग देख सकते हो इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है, और हमारी जो ट्रेन है वो कुछ इस तरीके से इस पर ऐसे जाने वाली है, ठीक है। चलो पटरी को मैं जोड़ देता हूँ फटाफट और फिर देखते हैं, ठीक है, चलो फटाफट पटरियों को जोड़ते हैं। तो पटरियों को जोड़ने के लिए हमें कुछ कुछ इस तरीके से जुगाड़ करने पड़ेंगे, देखो ये एक पटरी ना दूसरे के अंदर इस तरीके से ये घुस जाएगी, ठीक है, तो आराम से बिल्कुल, और ये ठीक है इस तरीके से सारी पटरियां एक दूसरे के साथ इस तरीके से चली जाएंगे, ठीक है। तो मैं इन्हें फटाफट जोड़ लेता हूँ और देख सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन सारी पटरियों का होना जरूरी है। सो इस तरीके से पहले मैं इसे जोड़ देता हूँ एंड फिर आगे बात करते हैं, ठीक है गाइस। बाकी यहाँ पर गाइस अभी काफी सारी पटरियां बची है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैं सारी जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है, और देख लो इतनी मैंने पटरियों को कर भी दिया, ठीक है, और गाइस लिटरली काफी सही लग रहा है। तो पहले मैं एक बार इतने में चला के देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट मैं अपनी जो कार है ट्रेन जो है उसे उठा लेता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं ठीक है। तो यार चलो देखते हैं ठीक है क्या होगा। चलो एक बार इसे मैं टेस्ट ड्राइव करते हैं ठीक है, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर देखते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ठीक है, और ये हमारी ट्रेन जो कि आप लोग देख ही सकते हो, और यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है वो चलने के लिए तैयार है ठीक है। तो मैं फटाक से जो इसका स्विच है वो करता हूँ ऑन ठीक है। इस स्विच को हम करते हैं ऑन और ट्रेन हो चुकी है हमारी चालू, और फटाफट मैं इसे छोड़ देता हूँ ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ठीक है किस तरीके से चल रही है। वो आप लोग देख सकते हो ठीक है। कैसी लगी आपको ये ट्रेन और कमेंट करके बताना ठीक है। बाकी ट्रेन गाइस काफ़ी सही है ये, एंड आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा परचेज करने का। बाकी मैंने कहाँ से और कितने परचेज करा वही बता दूँ। ये वाली जो ट्रेन सेट है मैंने परचेज करा है सदर बाजार से ठीक है, और ये जो ट्रेन सेट है मुझे बस मिला है 140 रुपये का। जी हाँ 140 रुपये का बस मुझे मिला है। आप भी आराम से जाके परचेज कर सकते हो। बाकी देख लो इतनी सारी इसकी पटरियाँ जो है 3-4 बची हुई है, और मैंने फिलहाल इतनी इंस्टॉल की है। बाकी आप लोग सोच सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आपको इस ट्रेन सेट के साथ खेलने में मज़ा आने वाला है। कमेंट करके बताना, और बाकी ऑनलाइन परचेज करने के लिंक्स भी मैं दे दूंगा जहाँ से सस्ता आप ले सकते हो ऑनलाइन ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जिनके घर से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर होगी ठीक है, तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है ठीक है। इसलिए मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।